गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेरी ब्लॉग। और आज मंडे ब्लूज वाले दिन हम लोग बनाने कुछ इंटरेस्टिंग सुबह सुबह नाश्ते में। बड़े दिनों बाद किचन में अपना ब्रेकफास्ट मैं खुद बना रहा हूँ, दिखाता हूँ क्या बना रहा हूँ। ये सूजी का बैटर बनाया जो थोड़ा सा थिक रखा है हम लोगों ने, साथ में हम लोगों ने केचप के अंदर पानी डाल दिया है, उसको मिलावटी केचप कर दिया है और साथ में क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रेड का पीस लिया है। इसकी कहानी बाद में बताता हूँ। इसके दो जो भाई हैं जो नॉट सो क्रिस्पी हैं वो यहाँ पे हैं और ये उत्तपम बन रहा है। और ये जो चीज है इसको हम लोग अपने घर की भाषा में बोलते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। गुड मॉर्निंग मिले कितने हैं? मैं अपना ब्रेकफास्ट बना लूं वही काफी है। नहीं भाई, मेरे को भी ब्रेड पिज़्ज़ा का बैटर रखा मैंने, एक बना दूंगा। और ये मैं अपने पांडा लवर वाले ग्लास में अपनी पीऊंगा छास। और कल मैंने इसमें पिया था लेमनेड, विच इज अ वेरी नाइस ग्लास। अभी ये सब मेरा ब्रेकफास्ट बनता है और ये वाला जो पीस है इसको मैं क्रिस्पी करना होता है बाबा, इसको फ्लिप करके हम लोग पकाते हैं, ऐसे ही पकाएंगे और इसके अंदर फिर इसको डाल के क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रेड के साथ खाएंगे। मिलावटी केचप पानी डाल दिया इसमें, थोड़ा ज्यादा ही बना लिया था मैंने अपना, तो घर वालों को भी खिला दिया। मेरे को अभी रिसेंटली पता चला, मुझे पता नहीं था। देयर इज नो शेम इन एडमिटिंग कि सूजी बहुत हेल्दी होती है, सूजी टेस्टी भी होती है, हेल्दी भी होती है, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या है। और ये ग्लास भाई, जिस बंदे ने ये ग्लास के बारे में सोचा ना डिजाइन करने के लिए, उसको तो वाह वाह यार, बहुत बढ़िया ग्लास है। मतलब ऐसे इसके अंदर कुछ ऐसे नॉर्मल भी पानी भी पी रहे होगे ना तो ऐसा लग रहा होगा बर्फ वाला पानी पी रहे हो, क्या मस्त। ब्रेड पिज्जा बहुत टाइम बाद बनाया और अपना ब्रेकफास्ट तो बहुत बहुत टाइम बाद खुद बनाया मैंने। मेकिंग योर ओन ब्रेकफास्ट इज अ वेरी सेटिस्फाइंग थिंग। बस अभी क्या है, थोड़ा बीमार ज्यादा होता ना, थोड़ी सी भी एक्जर्शन होती है तो झट बॉडी ना पूरी एकदम स्वेटिंग हो जाती है, तो वो चीज हो जाती है, बस दैट इज अ इशू। सुबह सुबह की चाय पी जा रही है ये, व्हाट इज दिस ये तो हमारे घर की ट्रेडिशन है, दिवाली के अगले दिन हम ऐसे प्लेट बना के, कोई भी फेस्टिवल होता है ना, खाने के ऐसे दो दो मिठाई, ऐसे है ऐसे, हाउ टू एंजॉय लाइफ 101। अब मैं हेल्दी हो चुका हूँ, अब मैं ये सब चीजें लिए अटैक करूंगा। अच्छा, हेल्दी हो चुका हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है गाइस, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, अभी हम जा रहे हैं। और अब हमें रियलाइज हो रहा है कि ये जो 2 बजे का टाइम है इस टाइम पर ट्रैफिक होता है बिकॉज स्कूल चालू हो गए हैं, तो स्कूल बसेस वगैरह और स्कूल के जितने कैंप्स वगैरह होते हैं वो सब लोग भी होते हैं। कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर साहब के अपडेट लेने, एक बार कैसा चलेगा मौसम, बट बढ़िया हो गया है जो भी कहो, एकदम मज़ेदार। क्या है, मानसून की शुरुआत हो गई है? मानसून की शुरुआत तो पहले हो गई थी, बस जुलाई से। भाभी को चाय चाहिए, चाय घर जाके बनाएगी ना, भाभी बनाएगी चाय। चाहिए मैं बाहर ही पी के जाऊंगा आज। अच्छा यस, बढ़िया सी बारिश हो रही है। 6 बज गए ऑलमोस्ट गाइस, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले घर आए हम लोग। बस ब्रंच करके डॉक्टर साहब के पास चले गए थे, फिर बारिश वगैरह हो रही थी, कुछ कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे, टाइम लग गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो मुझे लगा था मैं बस फटाफट आ जाऊँगा, ब्लॉग अपलोड कर लूँगा और फिर वो टेस्ट वगैरह उन्होंने बोला ये करवाना है वो करवाना है, तो ठीक है, सेहत भी ज़रूरी है। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दी थी, आज ब्लॉग थोड़ा लेट डाला है। कल अगर आप सोच रहे हैं ब्लॉग लेट क्यों डाला, इस रीज़न से डाला था, आज होपफुली ब्लॉग टाइम से डल जाएगा। ये मेरे आजकल न्यू फेवरेट बने हुए हैं, हेल्दी के हेल्दी, टेस्टी के टेस्टी, ब्यूटीफुल। हाँ जी, अब आप ब्रेक, ये लंच कर रहा हूँ आज मैं, यहाँ पे बनी है चाय, कल आपके पिकू पाजी ने बनाई थी चाय। ओ यार, कल तूने कड़छी वाली चाय बनाई थी, कड़छी वाली ऑलमोस्ट फुल दूध वाली चाय, इंदौर स्टाइल। इंदौर नहीं कहते, दिल्ली में भी बनाते हैं कड़छी वाली चाय। अरे दिखाई तो तूने देना, तेरे को नया नया शौक आया था, जो गलाते हैं इंदौर से है, पहले भी था, उगालते हैं इंदौर में, पता नहीं क्या क्या उगालना, नया ही वर्ड मैंने सोचा, उबालना वो है, उगालते हैं उनकी भाषा है भाई वैसे, तो कई लोगों को उससे कंट्रोवर्सी, इंदौरी भाषा है ये, नहीं होता जी, ये होता है। अरे वो ये भूल जाते हैं ना, इंडिया में तो भाई कितनी लैंग्वेज हो जाती है। और ये कड़छी वाली चाय हर स्ट्रीट फूड वाला बनाता है भाई। ये करना था ब्रेकफास्ट, हाँ जी ब्रेकफास्ट हो गया कुछ और, हाँ जी अब ये हो गया
लंच, लेट लंच, लेट, वेरी लेट लंच, वेरी लेट, वेरी लेट लंच। तो क्योंकि आप भी साहब के जाके आए, डॉक्टर साहब के जाके आए, 3 घंटे लग गए, उस चक्कर में ब्लॉग भी लेट लगा, सारे टेस्ट वेस्ट, तो थोड़ा डॉक्टर साहब ने बोला भी कुछ और न्यू अपडेट इज दिस कि होपफुली ठीक ही रहेगा, बट नहीं तो उनका भी थोड़ा सा भी एक कोर्स और देना पड़ेगा। बट हैपेंस, चलो ये मिस्सी रोटी खा रहे हैं, वेरी गुड, खाओ। बारिश बहुत जोरदार हुई है, मैं भी एक छोटू सा अपना एक क्लिप बना देता हूँ, 10-20 सेकंड का, ऐसी करो। आज से मैं आपको टास्क देता हूँ, दिन में ऐसी 10-20 सेकंड वाली 10 क्लिपें बनानी है आपने। सर टास्क कितना को टास्क दोगे यार, ये आपका टास्क मैं है। अपना काम भी करूँ, मैं टीपी का काम भी करूँ। यस, ये डीजी फैमिली को चाहिए। यस यस, चलो बाय, कट, चलो घर चले, खत्म हो गया, तभी जाएंगे अब तो। ओके, एल्विस प्रेस्ली मैन, वेरी गुड, वेरी गुड। घर वापस आए थे, एक लाइव करना था हम लोगों ने हरीश सर के साथ, तो वो लाइव करा, फिर वापस हम लोगों को डॉक्टर साहब के कुछ काम से जाना था, रिपोर्ट्स चेक करवानी थी, रिपोर्ट्स कुछ कुछ एक आध रह गए थे वो करवाए, अब वापस घर जाके डिनर करेंगे। Yes. आज का दिन हमारा अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखता रहा, कोई बेचारा पढ़ता रहता है, मन लगा रहता है, एंड थैंक यू, आप बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते रहते हो, ऐसे ना हमें भी अच्छा लगता है। Yes. आज थोड़ा व्लॉग लेट हो गया उसके लिए सॉरी, बट क्या करे, थोड़ा सा हो गया, बट कोशिश करते हैं एकदम कुछ कराने थे, बट अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखो भाई के लिए, गेट वेल सून, और ऐसे कुछ जोक्स वगैरह अच्छा सा, कोई ना जोक्स, अच्छा अच्छा अच्छा, आप बढ़िया ऐसा जोक ना जो ये भाई भी ना सोच सके, ऐसा वाला जोक मारना बढ़िया। डिनर, डिनर विद अ स्माइली फेस, ताकि खाने वाले के मुंह पे भी स्माइल आए। थोड़ी सी मिसिंग हो रही है दाल, जरा पसंद की सी नहीं है, लेकिन ये मिल दाल भी अच्छी होती है ना, ये वन ऑफ माय फेवरेट दाल है। वैसे भाभी आप यहाँ पे सॉस भी डाल सकते थे रेड कलर की। चलो एंजॉय करो, एंजॉय करो, हैव फन। उत्पम भी है, आज मेरी फेवरेट खाओ, 2 दिन बाद आपकी फेवरेट। भाई बारिश तो हो जाए और ह्यूमिडिटी ना हो आज, वाह मान ला कि आप आया कि मैं मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, वो वाली बात हो गई। ये तो भाजी वाह, बीइंग वेरी सेल्फिश, खाना खा लो, ये कह रहे ह्यूमिडिटी इतनी है, अब खाना खाने को भी गर्मी में मन नहीं करता। खाने से याद है, खाना क्या बनाया बताओ तो सही, चलो मेरे को टेस्टी वाली मूंगी दूली की दाल चावल, लेकिन इसको मैंने बोला नींद आ रही है, मैंने इसको बोला फुल्का बन जाएगा इसके लिए, इसके लिए फुल्के उतार देना, लेट हो गया नहीं, आटा गूंदा हुआ है तू फुल्के उतार इसको, मैं जब तक इसको चावल देती हूँ, टेस्टी वाली दाल और चटनी, हरी चटनी और प्याज काट के। ओके, चलो। मम्मा क्या मंगवाया? इनको नहीं बताना, इनको नहीं बताना, आज उनकी दाल दाल चावल तो हम ही खाएंगे। मैं इनको ना 2 बार बोल चुकी हूँ फुल्का खा लो, फुल्का खा लो, तो आज हमने वो आज हमें इनको ट्रीट देनी है ना, जो इनकी ड्यू थी इन्होंने काम करा। हम तो दाल चावल पिकू पारी के साथ खाएंगे, क्योंकि उसको अभी 1 हफ्ता और खाना, डॉक्टर साहब ने बोला कि 1 हफ्ता और खाना नहीं, हमारी तो बनी हुई है, हमारी बनी हुई, हम वही खाएंगे, दाल भी बने हैं, दाल चावल है, लेकिन इनको बोला था उसको, ये है पास्ता नम्रता का, वो रखो ना, खोलो उसको दे दो ना, खुश हो जाएगी वो, इनसे खुलवाएंगे ना, हाँ इन्हीं से खुलवाओ, उनको बोलो ये देखो तुम्हारे लिए क्या आया, चिज्जी आई है, चलो चलो इनको देते हैं, देखते हैं सरप्राइज इनका, देखो क्या आया है तुम लोगों के लिए, हमने तो खाने हैं दाल चावल पिकू बाजी वाले, पापा जी हमारी ट्रीट है, तीन दोनों की ट्रीट है ना, परसों तुम लोगों ने काम किया था ना 7:30 बजे, दोनों के लिए चिज्जी मंगाई है, नाइस, पहले पास्ता है, और देखो ऑर्डर किसने करा, पिकू बाजी ने, तन्मय ने, उन्हें खुद ने दाल चावल खाना है, और भैया भाभी के लिए देख पनीर की डिश और पास्ता, उसको भी ले जाएंगे जब ठीक हो जाएगा, जब ठीक हो जाएगा ना फिर हम उसको ट्रीट देंगे। उसने ध्यान रखा भाई का कि भाई को बढ़िया बर्गर भी मिल जाए और वो भी हो जाए, काड़े दिखा, अभी दिखा, कौन सा बर्गर है तेरा, काले वाला पनीर वाला, और भाभी के लिए पास्ता मंगाया है, वाओ भाभी का मेरा तो फेवरेट है, ये तो पनीर सा लग रहा है, कुछ रोटी घरे बनेगी, मेरे प्रिय रोटी बनाई है, वैसे उसने रोटी भी मंगवाई थी, मैं पूछती हूँ क्या हुआ, रोटी और नहीं आया ऑर्डर, ये इसमें तो नहीं है, ये देखो इसमें क्या है, ये जो है ब्रेड्स हैं, नहीं इसमें ये जो साइड वाले में, नहीं 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 ये तो वो है, अच्छा अच्छा चलो हम पूछ लेते, चलो पूछ लेते हैं, एंजॉय एंजॉय योर फीस्ट, बच्चों मजा आया पास्ता देख के, भूख लगी है ना तेरे को इसलिए नहीं आ रही, हाँ तो भूख लग रही है ना इसलिए, भाई जो 7:30 बजे डिनर करते हैं सुबह उनके लिए तो 10:40 बहुत जल्दी है, हैप्पी हैप्पी।
चलो एंजॉय योर रिवार्ड योर रिवार्ड पॉइंट्स जैसे कार्ड में होता है ना, ये तुम लोगों का रिवार्ड पॉइंट्स है। साढ़े छह बजे ऑर्डर नहीं कर रहा पंडित जी के पराठे? नहीं नहीं, अगर काम कर रहा तो कोई बात नहीं, करने पर गलती है कि ना हमारे लिए भी कर देते यार एक एक। तो हम तो उठे ही 9 बजे फिर चलो, पता ही नहीं चलेगा पर पता चल गया, पता हमें सब चल जाता है, तुम लोग कच्चे खिलाड़ी हो पता है सब चल जाता है। चलो एंजॉय योर मील।